Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question, positive influence of advertising on Indian values and culture. जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि advertising का Indian values और culture के ऊपर क्या positive impact हो रहा है. So, let us start. सबसे पहला positive impact है public awareness. Now, public awareness मतलब क्या कि advertising की वजह से public में काफी सारे social issues के बारे में awareness create होता है. तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, कि पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है और पब्लिक का वेलफेयर करना है. इसके लिए ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश करते हैं और ये एडवर्टीजमेंट सोशल इश्यूज के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. नाउ ये कौन से सोशल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है. तो ये फैमिली प्लानिंग का एडवर्टीजमेंट है. देन एड्स अवेयरनेस के बारे में कि एड्स जो है वो कैसे होता है या एड्स से किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जा सकता है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट हो सकता है. क्लीनलीनेस उसके बारे में एडवर्टीजमेंट हो सकता है. सेव वाटर या सेफ ड्राइविंग, ड्रग अब्यूज, नो स्मोकिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज है हमारे यहाँ पे जिसके बारे में ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को अवेयर करते हैं. जैसे हम लोग टाटा टी का ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, जैसे इलेक्शन आते हैं टाटा टी का ये एडवर्टीजमेंट आना शुरू होता है, जागोरे. ना यहाँ पे जागोरे का मतलब क्या होता है कि वहां पे लोगों को अपील किया जाता है कि इलेक्शन का डे जो होता है वो आपको एज अ हॉलीडे करके सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. तो उस दिन आपको आपकी जो भी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वोटिंग करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है. इसके लिए यहाँ पे टाटा टी के एडवर्टीजमेंट में जागोरे करके ऐसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है और लोगों को अपील किया जाता है कि आप लोग वोटिंग करो करके. तो ये सारे इश्यूज है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है. तो ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना ये एडवर्टाइजिंग का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है. दूसरा है डेवलप फैमिली टाइज, मतलब कि एडवर्टीजमेंट जो होता है उसके वजह से फैमिली में एक टाइप होता है, फैमिलीज में बॉन्डिंग बढ़ता है. बिकॉज कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिनके अंदर फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में या फैमिली मेंबर्स के बारे में कंसर्न ये सब दिखाया जाता है. जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट या अल्टो का ये एडवर्टीजमेंट या LIC का एडवर्टीजमेंट, ये सारे एडवर्टीजमेंट के अंदर फैमिलीज को दिखाया जाता है और फैमिली के बीच में का टाइप या फैमिली के बीच में का बॉन्डिंग जो होता है वो दिखाया जाता है. ये अंबुजा का एडवर्टीजमेंट आप सबने देखा होगा कि दो भाई भाई पहले अलग अलग रहते हैं और उनके दोनों के घर के बीच में एक दीवार बनाई रहती है और फिर बाद में वो दीवार को तोड़ना चाहते हैं लेकिन वो दीवार टूटता नहीं है. फिर बाद में वो एक दूसरे के साथ जो भी कम्युनिकेशन है या एक दूसरे के साथ जो भी इंटरेक्शन है वो दीवार के ऊपर से ही करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं पे फैमिलीज को दिखाया गया है और फैमिली रिलेशनशिप और एक दूसरे के लिए हम लोग केयर करते वो दिखाया है. तो कहीं ना कहीं पे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो व्यूअर्स के ऊपर भी होता है जो वो एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं. फिर ये अल्टो का एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे ये दादाजी है, ये पापा है और ये लड़का है. तो तीन जनरेशन को एक साथ दिखाया गया है कि फैमिली के अंदर दादाजी भी है. नहीं तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती है जहाँ पे दादा दादी को अलग से रखा जाता है और फिर बाद में मम्मी पापा के साथ बच्चा रहता है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट फैमिली दिखाई गई है. सो ये भी क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है. देन डेटॉल का एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, LIC का एडवर्टीजमेंट है. LIC के हर एक एडवर्टीजमेंट में आप लोग देखोगे ऐसे फैमिली दिखाई जाती है. या कैडबरी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं. सो ये फैमिली टाइप्स क्रिएट करने में भी एडवर्टाइजिंग जो है वो हेल्प करता है. देन नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव रोल ऑफ वुमेन. पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे जिसके अंदर वुमेन को डेरोगेटरी रोल में या सेकेंडरी रोल में या पैसिव रोल में दिखाया जाता था, लेकिन आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर वुमेन को पॉजिटिव रोल में दिखाया जा रहा है. वुमेन को यहाँ पे एक्टिव रोल में डिपिक्ट किया जाता है. डिपिक्ट मतलब क्या, शो किया जाता है. ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वहां पे वुमेन को एजुकेटेड दिखाया जाता है. जैसे कि आप लोग ये रीम का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कि वो लड़की जो है वो ऑटो में अपने ऑफिस में आती है तो उसके बॉस उसको पूछते हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हो और आप ऑटो में से आती हो, तो वो लड़की बड़ी प्राउड से बोलती है कि ये मेरे पापा है करके. सो इस तरीके से ऑटो वाले की लड़की है बट काफी एजुकेटेड है, ऐसे वो एडवर्टीजमेंट में दिखाने की कोशिश की है. तो कहीं ना कहीं पे वो एक पॉजिटिव रोल वुमेन का दिखाया है. देन करियर ओरिएंटेड वुमेन को दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट में.
ये व्हील का एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हो कि ये लेडी को कुछ बिजनेस शुरू करना होता है लेकिन घर के कामों की वजह से शी इज नॉट एबल टू स्टार्ट हर बिजनेस। बट व्हील की वजह से कपड़े काफी जल्दी साफ होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो उनका टाइम बचता है और वो बचे हुए टाइम में से ये लेडी अपना खुद का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते है, ऐसा दिखाया गया है। तो विमेन को यहाँ पे क्या किया गया है, करियर ओरिएंटेड दिखाया गया। देन इंटेलिजेंट दिखाया जाता है विमेन को, ये टाटा सॉल्ट का एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हो कि उसके अंदर वो लड़की काफी सारे क्वेश्चन वगैरह पूछती है, या इसके पहले भी टाटा सॉल्ट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए जिसमें लड़कियों को काफी इंटेलिजेंट दिखाया गया है और डिसीजन मेकर, मतलब कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहां पे विमेन को डिसीजन मेकर दिखाया जाता है कि घर के डिसीजन वो खुद ले रहे हैं। तो देखो ये सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे हैं जहां पे विमेन को पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है, उनको सेकेंडरी नहीं दिखाया जा रहा है या उनको पैसिव नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे समाज का आउटलुक जो होता है विमेन के तरफ देखने का वो चेंज करने में हेल्प करता है, बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट का कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट जो होता है वो व्यूवर्स के ऊपर होता है। तो अगर एडवर्टीजमेंट के अंदर वो विमेन जो है वो बिजनेस करना चाहती है तो कहीं ना कहीं पे वो जो व्यूवर्स होंगे वो भी उस चीज को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। या फिर ऐसे लड़कियों को एजुकेटेड दिखाया जाता है तो ऑब्वियसली उसका व्यूअर्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, वो भी उस चीज को फॉलो करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट में इस तरीके से विमेन को पॉजिटिव रोल में दिखाने की वजह से उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। फिर कुछ ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहां पे फीमेल चाइल्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना कि सिर्फ बॉयज को। सो इक्वल इंपॉर्टेंस फीमेल चाइल्ड को देना, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है एडवर्टाइजिंग का, और इस सब के वजह से सोसाइटी में विमेन के रोल को एक न्यू मीनिंग मिल रहा है। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से विमेन का पॉजिटिव रोल क्रिएट करने में भी हेल्प होता है। सो ये ऑलरेडी मैंने एडवर्टाइजमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि टाटा स्कूटी, टाटा सॉल्ट, रीन और व्हील डिटर्जेंट पाउडर, इन सब एडवर्टाइजमेंट के अंदर विमेन को पॉजिटिव रोल में दिखाया जाता है। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम, मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट्स के वजह से कुछ स्पोर्ट्स को और कल्चरल एक्टिविटीज को स्पॉन्सर किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे समाज में हमारे कुछ टैलेंटेड लोग हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और इसके वजह से हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो रहा है। नहीं तो क्या होते जा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम लोग हमारा खुद का कल्चर जो है भूलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे हैं जो हमको हमारे कल्चर के बारे में दिखाते हैं और उसके वजह से हमारा कल्चर जो है वो प्रिजर्व होने में हेल्प हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर से हम लोग इन्फ्लुएंस होते जाते हैं और हमारा खुद का कल्चर हम लोग भूलते जाते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट की वजह से हमको हमारा कल्चर जो होता है वो मेंटेन करने में हेल्प होता है और हमारा कल्चर मेंटेन करना काफी जरूरी है हमारे लिए। तो ये स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स को दिखा के यहाँ पे हम लोग हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, इवन हम लोग हमारे स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसे बॉर्नविटा का एडवर्टीजमेंट आप लोग ये वाला एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो, ये वाला एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो। उसके बाद में फॉर्चून का ये डांसर लड़की का एडवर्टीजमेंट आपको पता होगा, या सैवलॉन का ये जो सेना नेहवाल का एडवर्टीजमेंट है वो देखो। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं पे हमारे स्पोर्ट्स को और कल्चरल प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसके वजह से हमारे स्पोर्ट्स और कल्चरल जो एक्टिविटीज है उसका प्रिजर्वेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड या मिक्सचर। सो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबने एक होके रहना, जो आजकल के समय की काफी ज्यादा जरूरत है। मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग को झगड़े नहीं करने चाहिए, हम लोग को एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ या ब्रदरहुड के साथ रहना बहुत जरूरी है, उसको नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट होने में हेल्प होती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजन का, लैंग्वेजेस का, कास्ट का, ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन के अंदर भी हमारे यहाँ पे यूनिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हम लोग को भले हम लोग अलग अलग लैंग्वेज के होने दो, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के होने दो, लेकिन सबको हमको एक होके रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे देश के प्रोटेक्शन के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से दोनों तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। सो एडवर्टीजमेंट की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन जो है क्रिएट करने में हेल्प होता है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एडवर्टीजमेंट में ऐसे दिखाया जाता है कि अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर के लोग जो होते हैं वो एक होके रहते हैं, जिसमें हम लोग ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं कि ये अंकल आंटी जो है अपने घर की चाबी कहीं पे भूल जाते हैं और फिर बाद में वो लोग चाबी को ढूंढते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि अभी क्या करने का। उतने में उनकी नेबर जो होते हैं जो मुस्लिम होते हैं वो अपना दरवाजा खोलते हैं और उनको चाय के लिए ऑफर करते हैं और उनको घर में आने के लिए बोलते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट दिखा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि दो रिलीजन के लोग
इकट्ठा होके रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से रह रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। सेम ये सर्फ एक्सेल के एडवर्टीजमेंट में भी दिखाया गया है कि होली में सारे रिलीजन के बच्चे जो है एक होके खेल रहे हैं, तो ये भी नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। या ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर है वो चाय बेचते हैं और ये जो आंटी होती है वो गाड़ी से ट्रेवल करती है, और ये ट्रांसजेंडर जो है वो आने जाने वाले लोगों को चाय पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये सब दिखा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि हम लोग किसी भी रिलीजन के होने दो, किसी भी लैंग्वेज के, कास्ट के, कल्चर के होने दो, हम सब लोग जो है वो एक होके रह सकते हैं, ऐसा ये एडवर्टीजमेंट में मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे इसका इम्पैक्ट जो व्यूवर्स के ऊपर होगा और हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ने में हेल्प हो सकता है। और नेशनल इंटीग्रेशन जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए भी और ट्रेड के लिए भी, दोनों चीज के लिए जरूरी है। सो एडवर्टीजमेंट जो है नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग रोल ऑफ मेल्स। नाउ ज्यादातर हमारे यहाँ पे मेल की इमेज कैसी होती है, तो उनको काफी स्ट्रिक्ट दिखाया जाता है या वो काफी बिजी दिखाए जाते हैं, जो कभी फैमिली के लिए टाइम नहीं देते या फैमिली को हेल्प नहीं करते हैं या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, ऐसे हमेशा मेल को दिखाया जाता है या उनकी इमेज हमारे माइंड में वैसे बना के रखी हुई है। लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी है जो मेल को एक अलग रोल में ही दिखा रहे हैं, जहां पे मेल जो है वो एक केयरिंग फादर, केयरिंग सन और केयरिंग हस्बैंड है, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि फैमिली के अंदर जो फीमेल्स है उनका जो बर्डन है वो कम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेल को सपोर्टिव दिखाया गया है, केयरिंग दिखाया गया है, तो फीमेल का जो बर्डन जो है वो कम हुआ है, ऐसा उसमें दिखाया जाता है। जैसे कि आप लोग ये एक्ट टू पॉपकॉर्न का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, जहां पे ये पॉपकॉर्न बना रहे हैं, या फिर आप लोग ये एरियल का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, जहां पे ये लड़का अपने मम्मी को कपड़े धोने में हेल्प कर रहा है, या ओरियो का एडवर्टीजमेंट जहां पे पापा और उनकी जो बेटी है उनको दिखाया गया है कि पापा अपने बेटी को कितना केयर कर रहे हैं। सेम यहाँ पे डव का ये जो क्रीम है, इसके एडवर्टीजमेंट के अंदर भी वो पापा अपने बच्चे के साथ खेल रहे, ऐसा दिखाया गया है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो मेल को अलग रोल में दिखा रहे हैं, जहां पे मेल कितने केयरिंग है, कितने सपोर्टिव है, वो दिखाया गया है। सो एडवर्टीजमेंट जो है वो विमेन को भी पॉजिटिव रोल में दिखा रहा है, और एडवर्टीजमेंट जो है वो मेल को भी एक अच्छे रोल में और केयरिंग रोल में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये व्यूअर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होंगे, जो भी मेल वो एडवर्टीजमेंट को देखते हैं डेफिनेटली उनके ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उनको भी ऐसे लगेगा कि हमको भी हमारे फैमिली को टाइम देना चाहिए, हमको भी एक केयरिंग फादर, सन और हस्बैंड बनना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो मेल का रोल कंप्लीटली चेंज भी कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज सपोर्ट आयुर्वेदा एंड हर्बल। हमारा जो देश है उसके अंदर आयुर्वेदा और हर्बल जो है उसका रिच खजाना है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट देख सकते हो जो आयुर्वेदा या हर्बल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये मिसवाक का एडवर्टीजमेंट है टूथपेस्ट का, या ये वीको का फेस क्रीम है उसका एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हो। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर आयुर्वेदा, हर्बल, इसके बारे में काफी ज्यादा बोला जाता है। या डाबर के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आयुर्वेदा के ऊपर और हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर एम्फोसिस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे पहले लोग क्या होता था, केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे थे, पर केमिकल प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट की वजह से अभी लोग क्या हो रहे हैं, वापस से आयुर्वेदा के तरफ, हर्बल के तरफ टर्न हो रहे हैं। बिकॉज ये एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि आयुर्वेदा कितना स्ट्रांग है या आयुर्वेदा के क्या बेनिफिट्स है, और जिसकी वजह से लोग आयुर्वेदा को यूज करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो ये सारे हम लोग एडवर्टाइजिंग के इंडियन वैल्यूज और कल्चर के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम लोग ने देखा। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।